अगर कोई लड़की आज सक्सेसफुल है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रेसिव मैन होता है। अच्छे घर की बेटियां ना नहीं बोलती। हम मिडिल क्लास फैमिली में अच्छे घर अच्छी बेटी उसी को माना जाता है जो किसी भी बात के लिए ना नहीं बोलती। आपके लिए ये कॉलेज ठीक है? ओके। आपके लिए ये लड़का ठीक है? हाँ ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर मैरिज, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हैविंग चाइल्ड। सब चीज़ सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली डिसाइड कर लेती है और आपका खुद का कुछ नहीं होता। आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस आपके अलावा बाकी सब ले सकते हैं। मीन्स आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके अलावा बाकी सबके हाथ में रहेगा और आपको बस उस पर एग्री करना है। अगर गलती से आपने ये बोल दिया कि नहीं या खुद के लिए स्टैंड ले लिया, तो उसमें क्या होता है ना, खुद के लिए अगर हम ज़रा सा भी एक स्टैंड लेते हैं तो कितनी बदतमीज़ है, कैची की ज़रा जुबान चलती है इसकी, कितना बोलती है ये। यहाँ तक कि कौन सा लड़का हमारे लिए ठीक है, हमें हमारी पूरी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है, ये भी वही लोग डिसाइड कर लेते हैं विदाउट आर कंसर्ट इन सम फैमिलीज। और अगर आप खुद चाहो या आप खुद जाके बोलो कि मुझे ये लड़का पसंद है या मुझे इससे कर, खुद डिसाइड करेगी ये, इसको अपनी लाइफ किसी किसके साथ बितानी है ये भी ये खुद डिसाइड नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया छोड़ो मार्स और जुपिटर वाले क्या कहेंगे। और एक स्पेशल बात जो हमें हमेशा याद दिलाई जाती है, बेटा कुछ भी करने से पहले, एक भी कदम उठाने से पहले सोच समझ कर करना। तुम अगर घर से बाहर निकलती हो तो अपने घर वालों की, अपने ममाने वालों की और अपने ससुराल वालों की इज्जत हाथ में लेकर निकलती हो। तो अगर कुछ भी करना है तो ये सब सोच के करना होगा। और बचपन से हमें जो सुनाया जाता है कि घर का काम आता है, किचन का काम आता है, खाना बनाना आता है ना, नहीं आता ससुराल जाके क्या करेगी ये, क्या करेगी, घर का काम नहीं आता तो ससुराल जाके क्या करेगी। पढ़ लिख के भले ही ये कलेक्टर बन जाए, लेकिन बनना तो एंड में इसने किसी की हाउसवाइफ है ना, घर का काम तो इसको तब भी आना चाहिए। क्या करेगी, नाक कटवा देगी ससुराल जाके, ये तो बराबर जुबान चलाती है, कैची की तरह जुबान चलती है इसकी, ससुराल जाके क्या करेगी। अरे कुछ भी हो, हर चीज में हमें यही सुनने को मिलता है कि ससुराल जाके क्या करेगी। इतना डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। बेसिकली हम मिडिल क्लास फैमिलीज के अकॉर्डिंग शादी से पहले हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे पेरेंट्स के पास होना चाहिए और शादी के बाद पति के पास। हमारी खुद की लाइफ का क्या, हम खुद। और हमें बात बात पर याद दिलाया जाता है कि बेटा याद रखो, हमें हर चीज सोच समझ के करनी है, यहाँ तक कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस टाइम आना चाहिए, किस टाइम जाना चाहिए। नो मैटर आप क्या बन रहे हो, क्या जॉब है, वर्किंग आवर्स भी सोच समझ के। हमें खुद क्या कपड़े पहनने हैं इसके लिए भी हमें 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। द टाइम टू कम होम, द टाइम टू गो आउट, द डिसेंट आउटफिट यू शुड वेयर, ताकि लोग कमेंट ना करें, देखा उनकी बेटी कितने छोटे कपड़े पहनती है, व्हाट अ स्लट, सीधे यही बोला जाता है। हम बिना उसकी बैकग्राउंड जाने एक लड़की को देखकर उसका पूरा जजमेंट कर लेते हैं, पूरा जज कर लेते हैं हम उसको सिर्फ उसके कपड़ों के बेसिस पर, बिना ये जाने कि वो कहाँ से। उसको मैंने वहां लड़के के साथ खड़े देखा था, वो है ही ऐसी बच्चलन, केवल क्योंकि वो लड़कों के साथ खड़ी थी या उसके लड़के दोस्त हैं इसीलिए वो बच्चलन। शुरू से लेके एंड तक हमें इतना फेस करना पड़ता है, और इसके बाद भी क्योंकि पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है, हम तो घर से इज्जत साथ लेके निकलते हैं ना। अब भाई कुछ भी करे वो चलेगा, कोई बात नहीं, अब बेटा है उससे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर उसने इंटर कास्ट कर भी ली तो, लेकिन तुम अपनी ही कास्ट की करना है ना, देखो हमारी इज्जत का सवाल है, तुम थोड़ा संभालना। क्यों हमें आज भी 21st सेंचुरी में होने के बाद भी इतना सोचना पड़ता है, क्यों हम अपनी सोच को थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इस बात को लेकर के। हाँ जब लड़कियां हर चीज में आगे हैं, जॉब से लेके स्पेस तक जाने में हर जगह हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस सोसाइटी की सोच में कदम नहीं मिला पा रहे, क्योंकि हम अपनी सोच को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं ना, हम वहीं अटक के रह गए हैं 80s में। अब
अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ टाइम लगेगा लेकिन चेंज आएगा। मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, आज की डेट में लड़के लड़के ही हैं जो हेल्प कर रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ने में, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है ये कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। बट आई बिलीव कि अगर कोई लड़की आज सक्सेसफुल है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रेसिव मैन होता है। एक ओपन माइंडेड इंसान होता है उसके पीछे, जो उस पर पूरा भरोसा रखता है, उसको आगे बढ़ना सिखाता है, उसको समझाता है कि हाँ इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या कहोगी, तुम क्या सोचती हो, तुम्हें क्या पसंद है, वो फर्क पड़ता है। एक ऐसा इंसान जब साथ होता है ना, तो लाइफ भी आसान होती है और वो लड़की भी आगे बढ़ पाती है आसानी से। आई होप सबको ऐसा इंसान मिले सबकी लाइफ में। और रही बात इस सोसाइटी की, तो उसने तो आगे बढ़ना ही है, और लोग तो लोग हैं, लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। थैंक यू।